इंटेंसिफायर का क्या अर्थ होता है ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं इंटेंसिफायर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसके अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊँगा तो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन आपको कर दूँगा तो हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो होता है तिवरक तीव्र का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तीव्र करने वाला या किसी चीज़ को तेज़ करने वाला या तीव्रकारी तीव्रकारी का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ को तेज़ करने वाला या किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला यानी कि जोर देने वाला कोई शब्द या वाक्य होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है या कोई ऐसा केमिकल होता है जो किसी रिएक्शन को बढ़ा देता है या किसी प्रभाव को और ज़्यादा स्ट्रोंग कर देता है तेज़ कर देता है इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देता है तो उसको इंटेंसिफायर कहते हैं जैसे कि हिंदी या इंग्लिश लिखते हुए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो उस वाक्य की जो जोर है उसको बढ़ा देते हैं जैसे कि वेरी एक्सट्रीमली टोटली जैसे कि हम कहीं इट वॉज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे यानी कि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इस तरीके से जो ये ज़ोर देने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को इंटेंसीफायर कहा जाता है इंग्लिश में इस तरीके से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं एन इंटेंसीफायर इज़ अ वर्ड और फ्रेज़ दैट इज़ यूज टू एड एम्फेसिस और स्ट्रेंथ टू अनदर वर्ड और फ्रेज़ यानी कि इंटेंसीफायर ऐसे वर्ड या फ्रेज़ होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज में ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंटेंसीफायर कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स एंड दे आर यूज टू इंक्रीज़ द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ सम थिंग जो इंटेंसीफायर्स हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं एडवर्ब्स भी हो सकते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो किसी चीज़ की डिग्री को जैसे मैंने पहले बताया उसके एक्सटेंट को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसीफायर्स इनकलूड वर्ड्स लाइक वेरी एक्सट्रीमली टोटली एब्सोल्यूटली एंड कम्प्लीटली तो ये सब जो है इंटेंसिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं इन शब्दों के इंटेंसिफायर्स कैन कॉमनली यूज इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश टू मेक अ स्टेटमेंट मोर फोर्सफुल और टू एड मोर इमोशन और एम्फेसिस टू अ पर्टिकुलर आइडिया और थॉट किसी भी आइडिया या थॉट को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा जोर देने के लिए या और ज्यादा फोर्सफुल बनाने के लिए हम इन तरीके के जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इंटेंसिफायर कहते हैं अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें